हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी फूड सिक्योरिटी को टच करता हुआ आज का हमारा टॉपिक आज हम बात करेंगे दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज कहीं वो टेक्नोलॉजीज डिफरेंट हैं तो कुछ उसमें कॉमीनैलिटीज भी हैं सबसे पहले हम बात करेंगे जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी की और उसके साथ हम बात करेंगे जीएम टेक्नोलॉजी की दोनों में क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं कैसे वो सेम है या क्या पार्ट उनका सेम है और कैसे दोनों टेक्नोलॉजी आपस में एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं दोस्तों किसी भी लेक्चर किसी भी वीडियो के रिसोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन पहला लिंक इंग्लिश दूसरा लिंक हिंदी और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा वेडनेस डे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मेजर डिसीजन लिया और इस मेजर डिसीजन के थ्रू जो जीनोम एडिटिंग क्रॉप्स हैं उनको अब इंडिया में इंट्रोड्यूस करना काफी आसान बना दिया गवर्नमेंट ने क्लियरली इस बात को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैं, वो जीएम क्रॉप से अलग हैं इस वजह से हो सकता है जीएम क्रॉप्स को अभी हम इंडिया में अलाउ ना करें लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अगर वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हमारे मीट करती हैं तो उनके लिए जो इंट्रोडक्शन की जो कंडीशन है टर्म्स है रेगुलेशन है नॉर्म्स हैं उनको अब काफी इजी बनाते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए नोटिफिकेशन इंट्रोड्यूस किए हैं क्या है जीनोम एडिटिंग एक डिकेट पहले जर्मनी और यूएस के साइंटिस्ट ने एक इंटरेस्टिंग टेक्निक डिस्कवर की और उन्होंने कहा कि अब हमारे पास वो एबिलिटी आ गई है साइंस के पास वो कैपेबिलिटी आ गई है कि जो डीएनए स्टैंड हैं उसको अब हम कट करके जहां से हम चाहें जीन्स को एडिट कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं सब्सिट्यूट कर सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं अक्रॉस द ग्लोब उन्होंने कहा कि किसी भी क्रॉप के या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अगर जीनोम में हमें कोई चेंज लाना है तो वो अब हम कर पाएंगे एसडीएन सीक्वेंस के थ्रू एसडीएन सीक्वेंस है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस या इसको सीक्वेंस स्पेसिफिक न्यूक्लियस भी कहा जाता है एस एस एन न्यूक्लियस एक बेसिकली एंजाइम है जो डिवाइड होता है क्लीव होता है न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड एसिड के थ्रू और nucleic acid, किसी भी जेनेटिक मटेरियल चाहे आपकी हो हमारी हो ह्यूमंस की हो एनिमल्स की हो प्लांट्स की हो उन सभी का जो जेनेटिक मटेरियल है उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक समझा जाता है इसके बाद इस टेक्नोलॉजी को और एडवांस तरीके से रिसर्च किया गया और दो तीन साल पहले से आप एक नई टेक्नोलॉजी का नाम बार बार सुनते चले आ रहे होंगे जिसको कहा जाता है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी या क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड पेलीड्रोमिक रिपीट सी आर आई एस पी आर टेक्नोलॉजी और यह जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है यह एसोसिएट है प्रोटीन बेस्ड सिस्टम्स के साथ यह जो सिस्टम है यह अब हमें अलाउ करता है कि अगर कोई भी जीनोम सीक्वेंस हो चाहे ह्यूमंस की हो एनिमल्स की हो प्लांट्स की हो उसमें अगर हमें कोई इंटरवेंशन करना है टारगेटेड इंटरवेंशन करना है तो अब हम कर सकते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के थ्रू या जीनोम एडिटिंग के थ्रू ये जो टूल है इसने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खासतौर से प्लांट ब्रीडिंग को लेके अब एग्रीकल्चर सेक्टर में ओपन कर दी है इस टूल और टेक्निक को यूज करके जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है अब वो जो जीनोम्स हैं उनको एडिट कर सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक ट्रेड आपको चाहिए मान लीजिए आपको ऐसा ट्रेड चाहिए कि ड्रॉट रेजिस्टेंस को बना दिया जाए या इस पर्टिकुलर पेस्ट या बीमारी के अगेंस्ट इस पर्टिकुलर क्रॉप को प्लांट को रेजिस्टेंस बना दिया जाए तो ऐसा ट्रेड ऐसा जीन आप इंसर्ट कर सकते हैं उस जीन सीक्वेंस में किस तरीके से आप इस जीन एडिटिंग को कैरी आउट करते हैं उसके बेसिस पे पूरी प्रोसेस ऑफ जीन एडिटिंग को तीन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है SDN1, SDN2 वन SDN3. SDN1 ये किसी भी होस्ट जीनोम का जो डीएनए है होस्ट जीनोम का मतलब जिसके डीएनए को या जिसके जीनों को आप चेंज करना चाहते हैं एडिट करना चाहते हैं, वो होगा होस्ट जीनोम तो किसी का भी जो होस्ट जीनोम डीएनए है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसी के जीनोम में आप कुछ इंसर्ट कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं उसी का जेनेटिक मटीरियल बाहर का जेनेटिक मटेरियल आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते इसको कहा जाएगा एसडीएन वन जीनोम एडिटिंग इसके बाद नेक्स्ट वर्जन एस डी एन टू जीनोम एडिटिंग इसमें इन्वॉल्व होगा जो डीएनए के टेम्पलेट्स के स्मॉल पीसेस हैं उसमें जो भी आप स्पेसिफिक चेंजेस लाना चाहते हैं आप ला सकते हैं बिना किसी बाहर के जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करवाए बिना इसका मतलब जो जीनोम एडिटिंग है जिसमें एसडीएन वन एसडीएन टू जो टेक्निक्स हैं इन दोनों में ही एलियन जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता उनके खुद के जो होस्ट जीनोम डीएनए है उसी में आप कट कर देंगे इंसर्ट कर देंगे डिलीट कर देंगे लेकिन नया बाहर से कोई जेनेटिक मटेरियल आप नहीं लाएंगे और क्योंकि आप कोई नया जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो अगर आप एस डी एन वन एस डी एन टू टेक्निक के थ्रू जी एडिटिंग प्रोडक्ट तो निकलेगा वो रेगुलर जो होंगी उनसे बिल्कुल डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा जो हमारी कन्वेंशनल ब्रीड क्रॉप वराइटीज होती है एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का ही दिखाई देगा तो ये तो हुई एस डी एन वन एस डी एन टू जिनोम एडिटिंग टेक्निक्स लेकिन जो लास्ट टेक्निक है जिसको एस डी एन थ्री कहा जाता है उसमें लार्जर डीएनए एलिमेंट्स या फुल लेंथ जो जीन्स हैं उनको बाहर से आप ला सकते हैं लाए जाते हैं और उसके बेसिस पे उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है होस्ट जीनोम के डीएनए सीक्वेंस में और इस वजह से एसडीएन थ्री जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है यह जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एग्जैक्टली exactly उसके सिमिलर समझी जाती है क्योंकि एसडीएन थ्री के थ्रू आप सिर्फ होस्ट जीनोम को एडिट नहीं कर रहे हैं जो फॉरेन जेनेटिक मटेरियल है जो फॉरेन जीनों में उसको आप लाके कुछ नए टाइप का आप जीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में किया जाता है और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जीएमओ होते हैं उसमें जो जेनेटिक मटीरियल है होस्ट का उसको चेंज किया जाता है मॉडिफाई किया जाता है फॉरेन जेनेटिक मटीरियल के इंट्रोडक्शन के थ्रू एग्रीकल्चर में खास तौर पे जो सॉइल बैक्टीरिया है वो सबसे बेस्ट सोर्स समझा जाता है अगर आपको किसी टाइप का बाहर का जीनोम जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करना है इंसर्ट करना है जो होस्ट जीनोम है क्रॉप का उसमें तो जनरली सॉयल बैक्टीरिया से आप उस जीनोम को एक्सट्रैक्ट करते हैं और जिस भी क्रॉप में हो सकता है वो वीट हो पेडी हो ब्रिंजल हो कॉटन हो कोई भी क्रॉप हो सकती है उस पर्टिकुलर होस्ट जीनोम में बाहर का जो जेनेटिक मटेरियल आपने सॉयल बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया है उसको आप इंसर्ट करेंगे और यह सब किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू फॉर एग्जांपल कॉटन का क्लास एग्जांपल देख लीजिए अगर जो हमारा नेटिव कॉटन प्लांट है उसमें अगर आप दो जींस इंट्रोड्यूस कर देंगे क्राई वन ए सी क्राई टू ए बी और इन दोनों को ही माइंड किया जाता है निकाला जाता है सॉयल बैक्टीरियम बेसीलस थ्रेंगे बी टी जिसको कहते हैं तो अगर आपने ये दो नए जीन जो हमारा रेगुलर नॉर्मल नेटिव कॉटन प्लांट है जो हमेशा से उगता रहा है उसमें इंट्रोड्यूस कर दिए तो ये उस कॉटन प्लांट को अब एंडोटॉक्सिन जनरेट करवाने में केपेबल हो जाएंगे और अब जो नया या जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन होगा वो क्योंकि एंडोटॉक्सिन जनरेट कर सकता तो जो बॉल वार्म होता है जो एक मेजर पेस्ट के तौर पे काम करता है डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे कॉटन को उसके अगेंस्ट कहीं ज्यादा इफेक्टिव माने जाएंगे ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन और बीटी कॉटन इस जीनोम एडिटिंग या इस जेनेटिक इंजीनियरिंग कि आप नेटिव कॉटन प्लांट में क्राई वन एसी क्राई टू एसी ऐसे दो जीन्स इंट्रोड्यूस करते हैं सॉइल बैक्टीरियम से एक्सट्रैक्ट करके इसको अपने एडवांटेज के तौर पर यूज करता है हमारे फार्मर्स को यूज करता है कि इसके इंट्रोडक्शन के थ्रू जो बीटी कॉटन बनाया जाता है अब वो कहीं ज्यादा केपेबल होता है Pink के अगेंस्ट जो सबसे कॉमन पेस्ट माना जाता है कॉटन फार्मर्स बड़ी दिक्कत करता है कॉटन को डिस्ट्रॉय कर देता है लेकिन बीटी कॉटन को पिंक बुलबॉम के अगेंस्ट कहीं ज्यादा रेजिस्टेंट माना गया है अब जीन एडिटिंग समझ लिया तीन तरीके से कर सकते हैं पहले दो केसेस में नया बाहर का फॉरेन आप जी नहीं लाएंगे तीसरे केस में आप ला सकते हैं जैसे बीटी कॉटन के केस में यह जो जीन एडिटिंग है यह जीएम डेवलपमेंट या जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से कैसे डिफरेंस है बेसिक डिफरेंस है कि जो जीनोम एडिटिंग है और जेनेटिक इंजीनियरिंग है दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जीनोम एडिटिंग में बाहर का कोई फॉरेन जेनेटिक मटेरियल आप नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे वहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिकली मॉडिफाइड के केसेस में आप जो होस जीनोम है उसमें बाहर का भी कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल आप लाएंगे और इंट्रोड्यूस करेंगे एग्रीकल्चर में दोनों ही टेक्निक्स के थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के और जनरली एम यही होता है पर्पस होता है पूरी एक्सरसाइज का कि ऐसा करने के थ्रू आप किस तरीके से बेटर यील्ड मतलब जिनसे आपको ज्यादा उपज मिल सके ज्यादा प्रोड्यूस मिल सके या ऐसी क्रॉप्स आप पैदा कर सके ऐसे उनके मटेरियल पैदा कर सके ब्रीड्स पैदा कर सके जो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेचेज हैं उनके अगेंस्ट कहीं ज्यादा स्ट्रोंग हो रेजिस्टेंट हो तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन के बाद तो ये बहुत आसान हो गया कि अगर आपको किसी भी क्रॉप के किसी भी वैरायटी के जीन सीक्वेंस को चेंज करना है या ऐसा कोई ट्रेट इंट्रोड्यूस करना है जो आपके लिए फायदेमंद हो ज्यादा बेटर यील्डिंग हो सकता है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट कहीं ज्यादा हो सकता है या बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेसिस को कहीं ज्यादा टॉलरेट कर पाए ऐसे जीन्स आप प्रोड्यूस कर पाते हैं लेकिन क्वेश्चन भी माइंड में आता होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग रिलेटिवली नई साइंस है उससे पहले अगर आपको डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स अगर क्रिएट करने होते थे डिफरेंट टाइप की वराइटीज क्रिएट करनी होती थी को इंप्रूव करना होता था तो आप उस वक्त क्या करते थे तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आपको डिफरेंट वैरायटी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी तो वो आप जीन्स को एडिट करने के बजाय या जेनेटिक इंजीनियरिंग के बजाय आप अचीव करते थे सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू और सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब है कि आप दो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स लेंगे और दोनों को आप क्रॉस ब्रीड करवाएंगे दोनों के अपने अपने स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं और इन दोनों के क्रॉस ब्रीडिंग से जो नया क्रॉप या ब्रीड डेवलप होगा वो ऑफ स्प्रिंग जो होगा उसमें जो ट्रेड आप चाहेंगे वो ट्रेड आप पैदा कर सकते हैं तो फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग ने नया क्या कर दिया जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जो प्रोसेस हुआ करती थी अब वो कहीं ज्यादा आसान हो गई है एक्यूरेट हो गई है कहीं ज्यादा इफेक्टिव हो गई है और अब ये साइंटिस्ट को अलाउ करता है कि जो भी ट्रेड डेवलपमेंट है मतलब जो आपको नई टाइप की उसमें क्वालिटी चाहिए उसमें वो क्वालिटीज आसानी से अब आप अचीव कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू स्टोरी बड़ी रोजी है लेकिन सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं कई सारे चैलेंजेस भी हैं खासतौर से रेगुलेटरी चैलेंजेस जब भी हम बात करते हैं जीएम क्रॉप्स की जब भी हम बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की जब भी हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग की अक्रॉस द वर्ल्ड जीएम क्रॉप का यूज या उनका मेन फूड स्ट्रीम में लाना एक टॉपिक रहा है डिबेट का कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट इसको इस बात पर लगातार ऑपोज करते हुए देखे गए हैं 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 कि अभी भी जो जीएम क्रॉप्स क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड उनका बायो सेफ्टी का जो डेटा है ट्रैक रिकॉर्ड है वो इनकम्प्लीट है सफिशिएंट नहीं है मतलब लॉन्ग टर्म क्या इंपैक्ट हो सकते हैं जीएम क्रॉप्स के हमारे एनवायरमेंट पे हमारे इकोसिस्टम पे लोगों की हेल्थ पे इसका अभी भी कोई स्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड डेटा सेट नहीं है तो हो सकता है कि जीएम क्रॉप्स की यील्ड बेटर हो हो सकता है जीएम क्रॉप्स पेस्ट रेजिस्टेंट भी हो हो सकता है क्लाइमेट रेजिस्टेंट भी हो लेकिन हो सकता है उनका इतना नेगेटिव इंपैक्ट हो लोगों की लॉन्ग टर्म हेल्थ पे उसकी वजह से उनको अभी फुल फ्लैजेड तरीके से रोल आउट किया जाना या उनको यूज किया जाना अप्रोप्रिएट नहीं लगता इंडिया में जीएम क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करना बड़ी लेबोरियस प्रोसेस है कई टाइप के डिफरेंट लेवल्स ऑफ चेक्स हैं और जो इसके लिए मेन नोडल एजेंसी है वो फॉल करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी जिसको जी भी -E कहा जाता है एक हाई पावर कमिटी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर और जीएम मटेरियल को अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में तो उसके लिए ये मेन रेगुलेटर के तौर पे काम करती हैं इसके अलावा अगर किसी भी जीएम मटेरियल को जीएम क्रॉप को इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में रोड्यूस करना है तो आपको मल्टीपल फील्ड ट्राइस करने होंगे आपको बायोसेफ्टी का डेटा गैदर करना होगा जनरेट करना होगा इसके अलावा कमर्शियल रिलीज किसी भी जीएम क्रॉप से पहले आपको जो नेसेसरी रेगुलेटरी क्लियरेंसेस हैं या अप्रूवल्स हैं वो भी आपको लेने होंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से इंडिया में आज की डेट तक कितनी या कौन कौन सी वो जीएम क्रॉप हैं जो इंडिया ने अभी कमर्शियल स्केल पे अलाउ की है सिर्फ एक सिंगल क्रॉप और वो है बीटी कॉटन कई लोगों का यह भी कहना है कि क्योंकि अभी भी लोगों में डर बना हुआ है जो हमारे रेगुलेटर्स है और सिर्फ इंडिया नहीं अक्रॉस मैनी डिफरेंट कंट्रीज कंफर्टेबल नहीं है जीएम मटेरियल या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जीएम क्रॉप्स को पूरे फूड चेन में इंट्रोड्यूस होने देने में साइंटिस्ट इंडिया में या अक्रॉस द वर्ल्ड आप देखें तो क्लियरली जीएम क्रॉप्स वर्सेस जीनोम एडिटिंग क्रॉप्स दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हुए नजर आते हैं जो जीनोम एडिटिंग क्रॉप्स हैं जनरली क्योंकि उसमें किसी तरह का फॉरेन जेनेटिक मटेरियल आप इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं इस वजह से उनको जो ट्रेडिशनल हाइब्रिड्स हैं उसी टाइप की क्रॉप्स माना जाता है सेम टाइप की जो जीन है उसी को आप सीक्वेंस में चेंज करते हैं एडिट कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं लेकिन जो भी आपकी जीनोम एडिटेड क्रॉप्स हैं उसमें आप नया जेनेटिक मटीरियल बाहर से नहीं लाएंगे इस वजह से उनको रिलेटिवली हमारे कई एक्सपर्ट साइंटिस्ट सेफ समझते हैं वहीं अगर आप यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की बात देखें तो वो चाहे जीनोम क्रॉप्स हो जीनोम एडिटेड क्रॉप्स का मतलब कि बाहर का कोई जेनेटिक मटेरियल आपने इंट्रोड्यूस नहीं किया है या जीएम क्रॉप्स हो मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जिनमें वास्तव में आपने बाहर से नया जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है होस्ट जीनोम के सीक्वेंस में दोनों को ही सेम ब्रैकेट में ही यूरोपियन यूनियन कंट्रीज रखती हैं इस वजह से वहां के जो रेगुलेशन है दोनों पे सिमिलरली अप्लाई किए जाते हैं बहुत स्ट्रिक्ट माने जाते हैं। लेकिन कई सारी जिसमें US है, 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 वहां पर जीनोम एडिटेड क्रॉप्स, क्रॉप्स में नया बाहर से जेनेटिक मटेरियल नहीं किया जाता है जो हमारी ट्रेडिशनल हाइब्रिड्स हैं, जो अलग अलग प्लांट्स को हाइब्रिड करवा के पहले हम बनाए करते थे बिना किसी थर्ड जीनोम के उसके सिमिलर मानी जाती हैं तो अर्जेंटीना इसराइल यूएस कैनेडा में उनके लिए कहीं ज्यादा जो रेगुलेशन वो है वो लिबरल है आसान लिबरल नॉर्म्स लास्ट ईयर जब हमारे जो एमिनेंट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उनको लगने लगा कि इंडिया में भी जीनोम एडिटेड क्रॉप्स को जीएम क्रॉप्स की तरह ही माना जाएगा उनकी रिसर्च को उनके इंट्रोडक्शन को उनकी फील्ड स्टडीज को कर्टेल किया जाएगा तो उन्होंने एक कलेक्टिव लेटर लिखा टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी और उन्होंने अपने कंसर्न को वॉइस किया कि हमें जीनोम एडिटेड क्रॉप्स को अलग करके देखना होगा जीएम क्रॉप से जीएम क्रॉप्स में क्योंकि बाहर का फॉरेन मटेरियल होता है इसलिए उसके लॉन्ग टर्म सिक्वेंस बायो सेफ्टी के बारे में फिर भी हमें चिंता लेनी चाहिए लेकिन जो जीनोम एडिटेड क्रॉप्स है उसमें तो हम जो हो सीक्वेंस है उसी को सिर्फ चेंज कर रहे हैं जो पुराने ट्रेडिशनल हाइब्रिड्स दो क्रॉप्स को मिला के बनाए जाते थे उसी की तरह इसको देखा जाए समझा जाए इनके इंट्रोडक्शन को मतलब जीनोम एडिटेड क्रॉप्स के इंट्रोडक्शन को इंडिया में बैन नहीं किया जाए उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट सभी स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से सजेशन और ऑब्जेक्शन इन्वाइट कर रहे थे कि ऐसी क्रॉप्स जो जीनोम एडिटेड क्रॉप्स हैं क्या उनको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाना सही है या नहीं है और जब तक ये फीडबैक ना आ जाए स्टेट से यूनियन टेरिटरी से इनके फील्ड ट्रायल्स को पूरी तरह इंडिया में रोक दिया गया था ये जो है, एमिनेंट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं इसमें से बहुत सारे जो एमिनेंट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं ये पदमा अवार्डीज भी हैं और उन्होंने कैटेगरिकली कहा कि जो जीनोम एडिटेड क्रॉप्स हैं जो एसडीएन वन एस डी एन टू टेक्निक से डेवलप की जाती हैं, जिसमें नया एलियन डीएनए बाहर का फॉरेन जेनेटिक मटेरियल नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता है उनको पुरानी ट्रेडिशनल हाइब्रिड क्रॉप्स की तरह ही ट्रीट किया जाए क्योंकि इसमें कोई नया जीनोम नहीं है इस वजह से इनको लेके जो बायोसेफ्टी के, के कंसर्न वो इतने सीरियस नहीं देखे जाने चाहिए तो फाइनली गवर्नमेंट ने क्या मेजर लैंडमार्क डिसीजन लिया है वेडनेसडे को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है नोटिफिकेशन है उसने फाइनली ये जो इश्यू रहा कि जीनोम एडिटिंग क्रॉप्स और जीएम क्रॉप्स को एक साथ एक ब्रैकेट में देखा जाए या अलग अलग करके देखा जाए उसमें फ्रेश क्लैरिटी को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है जो वेडनेसडे का नोटिफिकेशन है उसने एस डी एन वन और एस डी एन टू टेक्निक से जो जीनोम एडिटेड क्रॉप्स पैदा की जाएंगी जनरेट की जाएंगी उनका जो बायोसेफ्टी का डेटा है वो एक इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटी होगी उसके डेटा पे रिलाय करने के लिए अब अलाउ कर दिया गया है जो इंस्टीट्यूशनल बायो सेफ्टी कमिटीज होंगी या एक्सपर्ट कमिटीज होंगी जिनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ और इसके साथ साथ जितना भी जीएम मटेरियल पे रिसर्च होगा उसको ये सभी वेट करेंगी अभी ऐसी कमिटीज इस चीज को कौन सर्टिफाई करेगा इंडिया में कि जो जीनोम एडिटिंग क्रॉप है उनको इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए लेकिन उसके लिए यह भी आपको इंश्योर करना होगा कि उसमें कोई फॉरन डीएनए नहीं है बाहर का जेनेटिक मटेरियल नहीं है इसको ये इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटीज ही सर्टिफाई करती हैं, वेट करती हैं, उनके एक्सपर्ट्स उसको चेक करते हैं कि एस डी एम वन एसडीएम टू जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्निक से ही बने हैं बाहर का कोई डीएनए इसमें नहीं है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप ये नहीं है यह सिर्फ जीनोम एडिटेड क्रॉप ही है और इस नोटिफिकेशन से अगर इंडिया में किसी को जीनोम एडिटेड क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करना है तो ऐसा लगता है कि अब वो पूरा प्रोसेस थोड़ा कम कम बसम थोड़ा सा कम टाइम एंड मनी कंज्यूमिंग बना दिया गया है आसान हो जाएगा अब इंडिया में जीनोम एडिटेड क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करना क्योंकि उनको ट्रेडिशनल हाइब्रिड्स की तरह ही देखा जाएगा लेकिन जीएम क्रॉप्स या जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए इंट्रोडक्शन के लिए आज भी जो पुराने स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस हैं वो अभी भी एप्लीकेबल है क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के केस में बाहर का जीनोम बाहर का डीएनए बाहर का जेनेटिक मटेरियल आप प्रोड्यूस करते हैं जिसके बायो सेफ्टी ट्रैक रिकॉर्ड्स अभी भी वेल well स्टेब्लिश नहीं है मुझे लगता है दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये इसके थ्रू हमारी फूड सेफ्टी हो नई वेराइटीज ऑफ प्लांट्स हो क्रॉप्स हो, हो खासतौर से एसडीएन वन एस डी एन टू जो जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स हैं उनको यूज करके अब हम और तेजी से इस रिसर्च को डेवलपमेंट को इंट्रोडक्शन को इंडिया में कैरी आउट कर पाएंगे वहीं एक क्लियर डिफ्रेंसियन हमने किया है कि अगर जीनोम एडिटिंग आपने एस डी एन थ्री टेक्निक से की है क्या आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के इंट्रोडक्शन की तरफ आप रिसर्च कर रहे हैं तो इंडिया अभी उनको इतना आसानी से इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं होने देगा क्योंकि अभी भी उनको लेके सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली बहुत सारे बायोसेफ्टी कंसर्न्स अनएड्रेस्ड हैं स्टे ट्यून्ड जय हिंद